हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग फंडामेंटल का एक टॉपिक, आई ईयर एंड नोज केयर। हम पेशेंट की आई केयर, नोज केयर एंड ईयर केयर कैसे करते हैं उसके बारे में आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बताने वाले हैं कि द आईज, नोज एंड ईयर्स आर इम्पोर्टेंट ऑर्गन विच रिक्वायर नो स्पेशल केयर इन डेली लाइफ। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी आई, ईयर और नोज है, ये तीनों हमारी बॉडी के बहुत ही ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और इनकी केयर मस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन हम इनकी रूटीन लाइफ में केयर नहीं कर पाते या नहीं करते हैं, स्पेशल केयर प्रोवाइड नहीं कर पाते रूटीन लाइफ में। तो हाइजीन केयर ऑफ आईज, ईयर्स एंड नोज प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हेल्प मेंटेन द फंक्शन। ऐसे कह सकते हैं कि आईज, ईयर और नोज की केयर क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और हाइजीन को मेंटेन करता है। तो आईज, ईयर और नोज की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सबसे ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले हम आई केयर कैसे करेंगे कि सबसे पहले आईज की जो कॉमन प्रॉब्लम होती है आईज से सिक्रेशंस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिक्रेशंस निकलते हैं आईज से। तो उसको क्लीन करने के लिए हम कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स यूज़ करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें, कैसे हम उसको प्रोसीड करेंगे उसको आईज केयर करने के लिए, कौन कौन से तरीके यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ आईज आर सिक्रेशन दैट ड्राई ऑन लेंसेज एंड क्रस्ट। सबसे कॉमन प्रॉब्लम आईज की होती है कि सिक्रेशंस होते हैं आईज से, जो कि आईज को ड्राई बनाते हैं और एक लेयर सी बन जाती है आईज के ऊपर, क्रस्ट सी बन जाती है। दिस मे नीड टू बी सॉफ्टन एंड रिप्ड अवे अंडर स्ट्राइल कंडीशन। इनको हम एक कॉटन स्वैप से या सॉफ्ट कपड़े से हम उसको विप्ड करेंगे, गीला करेंगे कपड़े को, या फिर कॉटन स्वैप को स्ट्राइल वाटर में डिप करेंगे और उसको आइस पे रखेंगे, जिससे कि वो क्रस्ट लेयर है उसको हटा सके और वो म्यूकस को या म्यूकोसा की लेयर है उसको इफेक्ट ना करे, उसको इंजर्ड ना करे इसके लिए। उसके बाद हम बोलेंगे इन न्यू बॉर्न्स के अंदर हम कैसे केयर देते हैं कि द आईज आर ट्रीटेड सून आफ्टर द बेबी इज बॉर्न टू प्रिवेंट ऑप्थेलिया न्यूनेट्रम। छोटे बच्चों में या न्यू बॉर्न के अंदर हम केयर इसलिए देते हैं ताकि बच्चों में ऑप्थेलिया न्यूनेट्रम की प्रॉब्लम ना हो। आईज आर क्लीन फ्रॉम द इनर टू द आउटर कैंथस। इसको क्लीन कैसे करेंगे, इनर कैंथस से लेकर के आउटर कैंथस की साइड हम जाएंगे। और क्यों ऐसे क्लीन करते हैं, ताकि जो पार्टिकल्स है या फिर जो फ्लूड है आई का या पार्टिकल्स है वो नेजोलैक्रिमल डक्ट के अंदर ना जाए या उसको इन्फेक्टेड ना करे। इसके लिए हम इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर आई को क्लीन करते हैं। उसके बाद में हम इसके आर्टिकल्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हम यूज़ करेंगे इसके लिए। आर्टिकल्स के अंदर सबसे पहले हम लेंगे मैकिंटॉश एंड टॉवल, दूसरा हम लेंगे स्ट्राइल बाउल एंड स्ट्राइल कॉटन स्वैप। स्ट्राइल बाउल लेंगे, उसके अंदर या उसके पास में बहुत सारे कॉटन स्वैप्स भी हम लेंगे। स्ट्राइल नॉर्मल सेलाइन एंड एनी अदर ऑर्डर सॉल्यूशन, कोई भी स्ट्राइल नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। किडनी ट्रे एंड पेपर पैक का यूज़ करेंगे। क्लीन फेस टॉवल, फेस को क्लीन करने के लिए टॉवल का यूज़ करेंगे। और उसके बाद में हम बोलेंगे कि ये जो प्रोसीजर हम करने वाले हैं उसको सबसे पहले हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना कंपलसरी होता है, बिकॉज पेशेंट हमारे साथ कंफर्ट हो सके, हमें ज्वाइन कर सके इसके अंदर। और दूसरा ये है कि अगर हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे तो पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट कर पाएगा और अच्छे से हम उसको केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। और एडजस्ट द बेड एंड कंफर्टेबल, और जो पेशेंट का जो बेड है उसको हम एडजस्ट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सके, अच्छे से अपना वर्क कर सके। दूसरा है आर्टिकल्स जितने भी हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे बेड साइड टेबल पर। इसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर के अंदर होता है सबसे पहले हम हैंड वॉश करेंगे।
प्रोसीजर से पहले हम हैंड वॉश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम हैंड वॉश करते हैं। दूसरा है प्योर स्टराइल सलाइन इनटू द बॉबल एंड वेट द कॉटन स्वैब, मतलब पानी का जो बॉल है स्टराइल उसके अंदर हम कॉटन स्वैब को भिगाएंगे। भिगाने के बाद उसको यूज़ करेंगे, उससे आई लैशेस या आईज को क्लीन करेंगे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के सामने खड़े हो जाएं एंड क्लीन द आईज विद स्टराइल स्वैब, और स्टराइल स्वैब के साथ उसकी आईज को क्लीन करें, और जो आईज को क्लीन करने के लिए स्वैब यूज़ की है वो क्लीन करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दें पेपर बैग के अंदर। कंटिन्यू क्लीनिंग टिल डिस्चार्ज एंड रिमूव फ्रॉम द आईज, और उनको आईज को तब तक क्लीन करेंगे जब तक कि वो आईज का सिक्रेशन एंड डिस्चार्ज कम्प्लीटली हट ना जाए। चौथा पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो क्रस्ट सिक्रेशंस जो आईज के ऊपर लगे होते हैं, एक लेयर सी बनी होती है, उनको हम एक वार्म और वेट गॉज यूज़ करेंगे, एक हल्की गर्म और गीली बोल सकते हैं गॉज पीस या कॉटन पीस का यूज़ करेंगे, और उसको हम आईज को क्लोज करके उसके ऊपर रख देंगे और कुछ टाइम के लिए, जिससे कि वो उसको सॉफ्ट कर दे सिक्रेशंस को। व्हेन द आईज आर क्लीन स्टॉप द प्रोसीजर, जब आई क्लीन हो जाए तो प्रोसीजर को बंद कर दे और उसके बाद फेस टॉवल से फेस को क्लीन कर दे। आफ्टर केयर द क्लाइंट एंड आर्टिकल्स, क्लाइंट की केयर के बाद में हम आर्टिकल्स को कैसे रखेंगे, क्लाइंट की केयर के बाद में हमें क्या करना चाहिए वो, ये सब इसके बारे में बताएंगे हम। इंस्टिल एनी मेडिकेशन दैट इज ऑर्डर्ड, मतलब जो मेडिकेशन दी हुई है, जो ऑर्डर की हुई है, जो फिजिशियन ने लिखी हुई है, उसको हम मेडिकेशंस को देंगे। रिमूव द मैकिंटॉश एंड टॉवल फ्रॉम अंडर द क्लाइंट हेड, जो पेशेंट की गर्दन के नीचे, हेड के नीचे जो हमने टॉवल लगाया था उसको रिमूव कर देंगे। पोजिशन देंगे पेशेंट को बेड पर, उसके बाद में बेड को कंफर्ट जोन में वापस लाएंगे। टिडी अप द बेड एंड मेक द क्लाइंट कंफर्टेबल, बेड को क्लीन करेंगे और क्लाइंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम वही टेक ऑल आर्टिकल्स इन द यूटिलिटी रूम, जितने भी आर्टिकल्स हमने यूज़ किए हैं उनको यूटिलिटी रूम में लेके जाएंगे, उनको क्लीन करेंगे, बॉयल एंड बॉल करेंगे। वॉश हैंड थ्रोली, उसके बाद हैंड वॉश करना है। रिकॉर्ड ट्रीटमेंट विद डेट एंड टाइम, कौन से दिन हमने ट्रीटमेंट दिया उसकी डेट और टाइम को रिकॉर्ड करेंगे, और ये सारे ऑब्जर्वेशन है वो नर्सिंग रिकॉर्ड के अंदर नोट किए जाएंगे। उसके बाद हम अगला पॉइंट आता है केयर ऑफ नोज एंड ईयर। नोज और ईयर की केयर होती है वो रूटीन केयर रिक्वायर्ड होती है डेली लाइफ के अंदर। तो इसमें हम क्या होता है कि नोज और ईयर से जो एक्सेसिव सीक्रेशंस होता है वो क्लाइंट के स्निफ और ब्लो द नोज, मतलब नोज को ब्लॉक कर देता है, इससे उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। ईयर्स के अंदर सुन हियरिंग में दिक्कत आएगी। द सिक्रेशन कैन बिकम क्रस्टेड एंड ऑब्स्ट्रक्ट द एयर वे, अगर सिक्रेशन है वो क्रस्टेड है यानी कि लेयर के रूप में जमा हो रहे हैं तो वो एयर वे को ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्लाइंट को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। द क्लाइंट हु कांट रिमूव द सिक्रेशन असिस्टेंस इज नेसेसरी टू क्लियर द कंजेशन एंड प्रोटेक्ट द नेजल म्यूकोसा, सिक्रेशन को क्लियर करें और नेजल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करें। उसके बाद में हम आएंगे कि छोटे बच्चों के अंदर या स्मॉल चिल्ड्रंस के अंदर, बेबीज के अंदर हम क्या करेंगे कि कॉटन स्वैब होगी वार्म एंड मॉइस्ट, जिसके अंदर वाटर और ऑयल दोनों मिक्स करके और कॉटन स्वैब को उसमें भिगाएंगे, और उसके बाद उसके एंटीरियर नेरेस एंड रोटेट जेंटली क्लीन द नॉस्ट्रल, एंटीरियर नेरेस से लेकर के जेंटली क्लीन करते जाएंगे नॉस्ट्रल को। ये जो है वो छोटे बच्चों में केयर प्रोवाइड करते हैं हम और बड़ों में प्रोवाइड करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक बेड सोर, जो कि नर्सिंग फंडामेंटल का एक टॉपिक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक को बेड सोर या प्रेशर सोर भी बोलते हैं। बेड सोर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं चीज़ें वो है इसकी डेफिनेशन, दूसरा पढ़ेंगे कॉमन साइट्स कौन कौन सी हैं, तीसरा है इसके कॉज कारण क्या क्या है, चौथा रिस्क फैक्टर किस किस वजह से ये हो सकता है, पांचवा कॉमन प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, स्टेजेस कितनी हैं,
मैनेजमेंट क्या करेंगे, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं बेड सोर के अंदर। सबसे पहले बेड सोर जो है वो है लोकलाइज्ड अल्सरेशन ऑन द टिश्यू, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर के जो टिश्यू है या पर्टिकुलर एरिया के जो टिश्यू है वो ही अफेक्ट होते हैं, ठीक है, बेड सोर के अंदर। बेड सोर मतलब हम बोल सकते हैं एक टाइप से लोकल लैंग्वेज में कोई घाव या फिर किसी भी प्रेशर की वजह से वहाँ का जो एरिया है, वहाँ के जो टिश्यू है वो डेड हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट खत्म हो जाती है उनकी, तो उस वजह से वहाँ का जो एरिया है वो डेड हो जाता है, वहाँ की सेल्स वर्क करना बंद कर देती है, तो वो एक प्रकार का अल्सर बनाती है। इसकी एक दूसरा वर्ड आता है कॉमन साइट्स, कौन कौन से, इसकी जो कॉमन साइट है वो है ईयर, चिक, नी एंड जेनाइटल एरिया, ये इसकी कॉमन साइट्स है मेनली, यहाँ पर ये ज़्यादा होता है। इसकी कॉजेज क्या क्या है, सबसे पहले इसके कारण जो है वो है एक तो प्रेशर की वजह से, दूसरा आएगा फ्रिक्शन की वजह से, तीसरा आएगा मॉइस्चर की वजह से। सबसे पहले फ्रिक्शन की वजह से हम पढ़ेंगे, तो फ्रिक्शन कैसे हो सकता है, या तो कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा थिन यानी कि पतला है बहुत ज़्यादा, मतलब जिसमें सबक्यूटेनियस फैट नहीं है, या फिर ऐसे कि जिस बेड पे वो लेटा हुआ है उस पे रिंकल्स है, उसकी बेडशीट पे रिंकल्स है, या ये हम बोल सकते हैं कि जो बेड है वो अनक्लीन है या फिर सॉइल वगैरह है उस पे, तो उस वजह से फ्रिक्शन की वजह से पेशेंट को बेड सोर हो सकता है। दूसरा जो कॉज पड़ेंगे वो है प्रेशर। प्रेशर क्या है कि पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर पेशेंट लेटा हुआ है कंटिन्यू, उसी एरिया पर अगर प्रेशर पड़ रहा है, जैसे पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो मान लो उसकी बैक पे कंटिन्यू प्रेशर पड़ रहा है या फिर उसके बटक्स पे कंटिन्यू प्रेशर पड़ रहा है, तो वहाँ की जो सेल्स है उनकी जो सेलुलर मेटाबॉलिक रेट हो जाएगी वो कम हो जाएगी कंटिन्यू प्रेशर की वजह से, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और उस वजह से क्या होगा, इस्केमिया यानी कि वहाँ की जो सेल्स है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहाँ के जो टिश्यू है वो डेड हो जाएंगे, तो प्रेशर की वजह से ये कारण है। तीसरा आएगा मॉइस्चर। मॉइस्चर ऐसे बोल सकते हैं कि पेशेंट को या तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, या फिर पेशेंट है वो एनी टाइम पर वेट रहता है, या किसी भी प्रकार का लीकेज हो कैथेटर में, या फिर स्टूल की वजह से, या इम्प्रॉपर बेड पान, मतलब अच्छे तरीके से अगर पेशेंट को क्लीन नहीं किया गया है तो भी मॉइस्चर की वजह से भी बेड सोर हो सकता है, मतलब होता है। चौथा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है रिस्क फैक्टर। चौथा जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट आएगा रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब ये होता है कि किस वजह से या कौन कौन से कारण है जो जिनकी वजह से ये हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, तो उस चीज़ को हम समझेंगे। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे, या तो कोई बर्न पेशेंट है ऑलरेडी जो बर्न है उसकी वजह से उसको बेड सोर हो सकता है, या कोई बहुत ज़्यादा ओबेस पेशेंट है, बहुत ज़्यादा ओबेस पेशेंट की वजह से, या लॉन्ग टाइम तक बेड रिडन पेशेंट है, या अनकॉन्शियस है, कोमा वाले पेशेंट्स है, या लॉन्ग टाइम तक ट्रैक्शन वाले पेशेंट है, या फिर जिनके ईटी ट्यूब या नेजल कैथेटर वगैरह लगा हुआ है लंबे समय तक, वो पेशेंट्स हो गए, या फिर जिनके प्लास्टर बंधा हुआ है वो पेशेंट्स हो गए, तो उनमें बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं, तो ये हो जाएंगे उसके रिस्क फैक्टर। कॉमन प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वो तीन पोजीशन के अंदर हम बता सकते हैं। नॉर्मली कॉमन प्रेशर पॉइंट एक तो सुपाइन पोजीशन के अंदर, एक लेटरल या साइडलाइन पोजीशन के अंदर, एक हो जाएगा प्रॉन पोजीशन के अंदर। सबसे पहले सुपाइन पोजीशन, मान लो पेशेंट ऐसे सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो उसके प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से हैं नीचे की साइड में, एक तो ऑक्सीपिटल साइड हमारी, एक स्कैपुला, एक हो जाएगा अपने एल्बो, सैक्रम और उसके बाद हील, ये सारे हो जाएंगे सुपाइन पोजीशन के अंदर कॉमन प्रेशर पॉइंट्स। और दूसरा जो आएगा वो लेटरल पोजीशन, मतलब पेशेंट है वो ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे एक साइड करवट बदल के लेटा हुआ है, तो उसके अंदर कॉमन प्रेशर पॉइंट्स हो जाएंगे एक तो अपनी ईयर्स, चिक्स, उसके बाद एक्रोमियन प्रोसेस, रिब्स हो जाएगी, ईलिप क्रेस्ट हो जाएगी, ये सारे आएंगे कॉमन प्रेशर पॉइंट्स लेटरल पोजीशन के अंदर। तीसरी जो आएगी वो है कंडीशन प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन मतलब उल्टा लेटा हुआ कोई इंसान, हो
कोई क्लाइंट, तो उसके अंदर कॉमन प्रेशर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, अपनी ईयर्स हो जाएंगे, चिक्स हो जाएंगे, जेनिटेलिया हो जाएंगे, और फीमेल में ब्रेस्ट हो जाएगा और नीज हो जाएंगे, ये सारे कॉमन प्रेशर पॉइंट आते हैं प्रॉन पोजिशन के अंदर। उसके बाद का जो अगला पॉइंट है वो है स्टेजेस। अब बेड जोन की कितनी स्टेज होती है, बेड जोन की जो स्टेज है वो स्टेज फॉर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार स्टेज में हम उसको डिवाइड करेंगे या चार स्टेज पढ़ते हैं हम बेड जोन की। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है, स्किन जो अपर स्किन होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, वो इंक्लूड होती है। इसके अंदर क्या होगा, अगर मान लो एपिडर्मिस को अफेक्ट होगा तो उसका कलर डार्क रेड हो जाएगा, ठीक है, और इसमें हल्का फुल्का पेशेंट को पेन होगा। दूसरा जो स्टेज आती है वो है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज के अंदर आप एपिडर्मिस के साथ डर्मिस लेयर भी इंक्लूड होती है स्किन की, और इसमें क्या होता है कि पर्पल कलर ऑफ स्किन, स्किन का जो कलर होता है वो रेड नहीं होकर पर्पल कलर हो जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ब्लिस्टर बन जाता है, मतलब पपोले या ऐसे बोल सकते हैं कि पपोले बन जाते हैं जिसमें म्यूकस भरा हुआ होता है, म्यूकस या वाटर कलेक्ट होता है, तो इस वजह से क्या होता है सीवियर पेन होता है पेशेंट को। स्टेज थर्ड जो हम पढ़ते हैं वो आती है सबक्यूटेनियस लेयर प्रेजेंट होती है इसके अंदर, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड देन सबक्यूटेनियस लेयर भी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, एंड हाइपोडर्मिस लेयर भी, ठीक है। इसमें जो स्किन का कलर होता है वो हो जाता है ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, और इससे कंटिन्यू वाटरी डिस्चार्ज होगा और डीप बाउंड बन जाएगा एक वहाँ पे, और पेन होगा वो बहुत माइन्यूट सा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि पेन एब्सेंट हो सकता है। फोर्थ स्टेज जो आती है बेड सोर की, उसके अंदर क्या होती है स्किन की टोटल लेयर डिजाइन होगी, और उसके अंदर क्या होता है स्किन का जो कलर होगा वो भी ब्लैक हो जाएगा। इस जो स्टेज है इसके अंदर बोन विजिबल होती है, मतलब बोन्स दिखने लग जाती है, और जो स्मेल आने लग जाती है बाउंड से, और पेन होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, एब्सेंट होगा। उसके बाद हम जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है मैनेजमेंट। बेड सोर का जो मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे, क्योंकि पेशेंट को एक तो हर एक से दो घंटे में हम करवट दिलाएंगे, दूसरा ये होगा कि पेशेंट को क्लीन करेंगे हर मतलब दिन में दो बार, यानी कि ट्वाइस इन अ डे, दिन में दो बार, और उसके बाद जहाँ बेड सोर हो रखा है वहाँ की क्लीनिंग करेंगे दिन में कम से कम दो बार। तीसरा जो आएगा वो है इसको जो क्लीन करते हैं उसके लिए जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो है नॉर्मल सलाइन, और या फिर हम यूज़ कर सकते हैं परऑक्साइड H2O2, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर है वो बाउंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि वो बाउंड होगा उसको क्लीनिंग के काम आएगा, और ये सारी चीज़ें होती हैं वो मैनेजमेंट में।